हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत। आप देख रहे हैं फर्स्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गर्मियों में शरबत तो आप सब पीते होंगे, लेकिन जो आप शरबत बनाते हैं वो नींबू, चीनी और कोई कोई नमक मिला देते हैं और पानी से बनाते हैं। लेकिन गाइस, क्या हो अगर हम शरबत इस पल्स के टॉफ़ी से बनाएं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम शरबत बनाने वाले हैं इस पल्स के टॉफ़ी से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पल्स की टॉफ़ी तो सब खाए होंगे। इसमें रहता है हल्का सा मसाला और ऊपर से टॉफ़ी कवर रहती है। इसको आइए हम आपको फोड़ के भी दिखा देंगे अभी। तो सिंपली क्या करना है, इसको फोड़ के हम पानी मिलाएंगे और फिर देखते हैं क्या टेस्ट रहता है, मतलब क्या देखने में कैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, आइए इसको हम पहले फोड़ के दिखा देते हैं इसके अंदर मतलब कैसा मसाला भरा हुआ है। आइए दिखाते हैं। ये लगभग फूट ही चुकी होगी अंदर से, इसमें करते हैं ताकि गिरे ना। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसके अंदर ऐसे मसाले भी अंदर भरे हैं और पूरी टॉफ़ी भी है। ये देखिए, ये हल्का हल्का ब्राउन कलर से मसाला पूरा भरा हुआ है। तो लगभग हम 4 से 5 टॉफियां इसमें डालेंगे, फिर उसमें पानी मिलाएंगे। अभी तो एक टॉफ़ी है, इसी तरह लगभग 4 से 5 टॉफी इसमें मिला देते हैं। तो गाइस, लगभग 4 से 5 टॉफ़ी मैंने इसमें फोड़ के डाल दी है, आप देख सकते हैं। अब बारी इसमें पानी डालने की। भाई साहब, आप देख सकते हैं जितने मसाले थे ऊपर तैरने लगे हैं। अब इसको पूरा मिलाते हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं, नींबू पानी जैसे लग रहा है। ये देखिए, इसको पूरा अच्छे से मिलाते हैं और फिर आपसे फिर मिलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कुछ देर मिलाने के बाद अब इसका कलर पूरा ग्रीन हो चुका है, क्योंकि कैंडी का कलर भी पूरा ग्रीन ही था। तो अब आइए इसको टेस्ट करते हैं। हम इसको निकाल लेते हैं एक आधे वाले गिलास में, ताकि हम विनीत भाई को भी टेस्ट करा सकें कि कैसा लग रहा है। तो अब आइए इसको टेस्ट करते हैं। भाई साहब, एक नंबर का लग रहा है यार। जैसे कि नींबू रहता है उसमें खट्टा लगता है, लेकिन इसमें पल्स टॉफ़ी है, पल्स टॉफ़ी ऑलरेडी खट्टी ही होती है। तो ये भी एकदम खट्टा मीठा और हल्का सा नमकीन भी लग रहा है, क्योंकि इसमें मसाला भी था। अब आइए इसको टेस्ट कराते हैं विनीत भाई को। विनीत भाई आ जाओ। लो इसको टेस्ट करो, कैसे लग रहा है बताना। भाई झूठा तो नहीं है? नहीं यार। किसे पिए थे? इसमें पिया था। ठीक है फिर। एकदम रियल बताना कैसा लग रहा है। भाई मजा तो दे रहा है यार, पूरा गर्मी वाला फील आ रहा है। जैसे वो जलजीरा नहीं पीते हम लोग बचपन में, बना के घर पे बढ़िया नमक मिर्चा पीस उसके बकायदे, एकदम सेम टू सेम वही वाला फीलिंग आ रहा है इसमें। तो मतलब तुम क्या चाहोगे कि हम नींबू वाला बनाएं, उतना तामझाम करेंगे, सिंपल इसी को फोड़ के डाल दें? नहीं, अगर देखा जाए तो नींबू वाले से ज्यादा इसमें टेस्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें टेस्ट अच्छा आ रहा है। नींबू वाला थोड़ा खट्टा रहता है, बट इसका स्वाद बहुत अच्छा है। जैसे कोई रेस्टोरेंट में मिलता है बढ़िया शरबत वरबत महंगा, अगर चाहे तो 5 रुपए का वो टॉफी लेके हम बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट वाला फीलिंग आ सकता है। सच में गाइस, काफी अच्छा, काफी टेस्टी। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये आप घर पे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि उसका टेस्ट कैसा लगा आपको। तो होप सो कि अच्छा लगा होगा। काफी इजी मेथड है, बस फोड़ के डाल देना, उसके बाद पानी मिला देना, बस बात खत्म। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा। तो भाई इतना मेहनत कर रहा है यार, तो फिर अगर अच्छा लगेगा बना के एक बार ट्राई करिए, अच्छा लगे फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलो ठीक है, तुम ही वीडियो को एंड कर दो। हाँ तो भाई, फिर घर पे इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा और भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, विनीत भाई ने भी बोल दिया है वीडियो को लाइक करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।